नमस्कार, मैं अनपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय के स्थानीय गांधी चौक में कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जन विरोधी नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार का 32,000 करोड़ रुपए रोके जाने एवं कोल माइंस के निजीकरण और रेल समस्याओं को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वही अपने उद्बोधन के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास मोटर व्हीकल एक्ट, किसानों की समस्या, शिक्षा एवं अन्य योजनाओं में अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के साथ सौतेले व्यवहार किया गया है। प्रदेश सरकार का 32,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोक दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश मंडी के दौर से गुजर रहा है। विंध्य प्रदेश सूखे की चपेट में है और उसे विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के साथ सौतेले व्यवहार किए जाने पर आगामी समय में देश एवं प्रदेश की जनता केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। वही इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। कमलनाथ जी सरकार आज करीबन 8 और 9 माह के अंदर इस बात के लिए संकल्पित है कि मध्य प्रदेश के अंदर सुशासन हो, अस्पतालों में डॉक्टर रहे, किसानों के चेहरे में खुशियां रहे, जो विद्यार्थी हैं उनको कम पैसे में परीक्षा देना पड़े, कम पैसे में महाविद्यालय में एडमिशन मिले, इन सब बातों के लिए सरकार कर रही है। दूसरी तरफ जब ये सरकार चल रही है तो सरकार को चलाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। तो जो केंद्र सरकार, जो हिंदुस्तान की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार, इसके अलावा किसी तीसरे की सरकार नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है, इन्होंने मध्य प्रदेश का जो हिस्सा मिलता है करीबन 37,000 करोड़, जो कि टैक्सों के माध्यम से जाता, हमारा हक है। जो हम पैसा, यदि हम नौकरी करते हैं और हम पैसा कमाते हैं 500 रुपया, तो उस 500 रुपये में हमारा 500 रुपया का हक है। वो जो सरकार, हमारा हक है इस मध्य प्रदेश का, जो कि आप टैक्स के माध्यम से देते हैं। आज हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, दिन भर में कम से कम 100 रुपये का टैक्स देता है। वो आपको दिखता नहीं है। आप मोबाइल में टैक्स देते हैं, आप डीजल पेट्रोल में टैक्स देते हैं, आप बिजली में टैक्स देते हैं। 37,000 करोड़ रुपए होता है जो कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार को, मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी की सरकार को देना चाहिए, वो नहीं दे रहे। देखिए मोटर व्हीकल एक्ट को उसने ऐसा लगाया, एक स्कूटी जिसका दाम है 53,000 रुपए, 60,000 रुपए, और उस स्कूटी का जुर्माना लगता है 35,000 रुपए। जब वो स्कूटी का मालिक जाता है, 35,000 रुपए का जुर्माना जब उसके ऊपर लगाया जाता है, तो वो अपनी गाड़ी उसी थाने में छोड़ के वापस आ जाता है। ये है कि मोदी सरकार की ये नीति है। समय है, होश है, चिंतन करिए और ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो आप भारतीय जनता पार्टी की इस गुलामी की दास्तान से मुक्त। जैसा कि मंच में कहा गया कि कुछ चुनिंदे भाजपाइयों के लोग काम करते हैं दिव्य, इन्होंने चुनाव के समय इतना आवास दिए, बंदर बांट दिए, लेकिन आज वो आवास का पैसा दूसरे किस्त है। हमारे भाइयों को छत डालना है, दरवाजे लगाना है, खिड़की लगाना है, उसके लिए पंचायत, जनपद और जिला का चक्कर लगाते हैं। मोदी साहब यहाँ पैसे ही नहीं भेजते हैं, भेदभाव कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको भेदभाव नहीं करने चाहिए। आपको सामान्य भाव से पूरे देश को एक नजर से देखना चाहिए और काम करना चाहिए। मोदी जी की बात बड़े अलबेले हैं, वो उनको हम कहते हैं वो श्याम रंगीले हैं। अमेरिका जाते हैं, हाउडी मोदी, भारत का पैसा, भाषण देते हैं हमारे देश में सब कुछ ठीक है, और उसी दिन जिस तरह अमेरिका में कहते हैं कि हमारे देश में सब कुछ ठीक है, उसी दिन मुंबई में पीएमसी बैंक के बाहर बर्तन धोने वाले छोटे छोटे व्यापारी, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले,
50,000 करोड़ रुपए इस बैंक में जमा है, हमारा पैसा रोक लिया है। हम कहां जाएं? 11,000 करोड़ रुपए है जमा उसके अंदर, और हमारे श्याम रंगीले प्रधानमंत्री रूस के, रूस जैसी महाशक्ति जो आर्थिक महाशक्ति थी, उसको 1,00,000 करोड़ रुपए दान में देके चले आए। धिक्कार है तुमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देश का पैसा है, ये तुम्हारे दामोदर दास मोदी का पैसा नहीं, ये भारत की जनता का पैसा है। तुमको खैरात में बांटने का कोई अधिकार नहीं। जिला कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निंदा करता है। और मध्य प्रदेश में जब से सरकार बनी कांग्रेस की, भाजपा के लोग कहते हैं क्या हुआ, ये अच्छे दिन कैसे आए? रेत के अवैध खनन का, उनके हाईवा चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, और जब ज्ञापन देके लौटते हैं तहसीलदार को, तो उसके कारण में कहते हैं साहब हमारे 3 ट्रैक्टर को छोड़ देना, और कान में कहते हो हमारे ट्रैक्टर छोड़ देना, तुमको शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है। और मैं इस उमरिया की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं 50 साल का हो गया, अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा कि उमरिया रेलवे स्टेशन में शटल का टिकट कटवाओ और प्लेटफॉर्म में खड़े हो तो बाबू कहता है आज तो शटल रद्द है। ठीक है, जो परम मित्र है अडानी जी, उनका कोयला ढोना है, ये केंद्र सरकार है। अरे तुम प्रधानमंत्री इस देश के हो, तुम भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हो, और अगर तुम भाजपा के प्रधानमंत्री बन के काम करोगे, अगर तुम मध्य प्रदेश के हिस्से का पैसा रोकोगे, तो हम घोषणा करेंगे तुम हमारे प्रधानमंत्री नहीं। रुपया जिस तरीके से गिरा है उसके कारण सोना 48,000-50,000 रुपए चला गया। की दूर क्यों होती जा रही है? ये आंदोलन का मुख्य कारण ये है, प्रधानमंत्री आवास जिसके राज के लिए लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए, अधूरा है, कोई पन्नी लगा के रह रहा है, पूरी बरसात निकल गई। राज सिंह जी ने कहीं वक्तव्य दिया मुख्यमंत्री जी ने कि मध्य प्रदेश में इसलिए बारिश नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकार, तो इतनी बारिश हुई कि वहां के किसान जो है आरोप लगाते गए, थाने दर्ज करा जाते हैं कि शिवराज सिंह के कारण यहां पर इतनी ज्यादा बारिश हो गई है, उन्होंने गलत आरोप लगाया। सूखे की स्थिति, ये गेहूं हो, धान या मक्का हो, फसल भले खड़ी दिख रही है लेकिन जो उत्पादन का रेशियो होना चाहिए वो नहीं है। किसान को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पालन करना चाहिए और विंध्य प्रदेश को विशेष पैकेज का दर्जा दें, तब तो लगेगा कि वो मध्य प्रदेश की जनता की भलाई चाहते हैं, विंध्य प्रदेश की जनता की भलाई चाहते हैं और देश के हमदर्द प्रधानमंत्री। और उसके सहित नहीं, जहां पर अति बारिश हुई है मध्य प्रदेश में, फसलें बह गई, वहां भी विशेष पैकेज देने की जरूरत है। जिम्मेदारी बनती है कि वो सर्वे कराए और जहां अति वर्षा हुई है, जहां फसल नष्ट हुई है, वहां पर टीमें आए, जांच करें, उसका मुआवजा बनाए और किसानों को मुआवजा दें। इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार जिस तरीके से किया जा रहा है, तो आज का धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो इस बात को लेके है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो आज देश मंदी की दौर से गुजर रहा है, इसके विरुद्ध है। केंद्र सरकार के द्वारा जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसके विरुद्ध है।
और साथ साथ जो मध्य प्रदेश में अति बारिश हुई है, हिंद प्रदेश सूखे की चपेट में है, इनको विशेष पैकेज दिया जाए, इस बात को लेकर यह आंदोलन यहां पर किया गया है। यह आंदोलन में जो लोग उपस्थित है, ये जनता की भावना है, भावना का प्रदर्शन है। यहां पर भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ अगर सौतेला व्यवहार हुआ तो पूरी मध्य प्रदेश की जनता आंदोलित होगी और केंद्र से सरकार के खिलाफ आंदोलन। कांग्रेस पार्टी की